हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पी रहे हैं चाय और हमारा बेटा भी उठ चुका है और ये माँ से सो रहे हैं अभी। ये देखो लड्डो। हाय भाई, को काय कर रही थी? हां कर रही थी, इसमें मेरे को खा कर काय बे काय बे गाओ है रे। हां मल क्या उसे शर्म ना आ रही किधर? जी की गाड़ी है वो तो डिकड़ो। तो गाइस लड्डू के लिए हम दोनों की लड़ाई हो रही है लड्डू चोरी क्या गिफ्ट देंगे लड्डू को? चोरी लड्डू कभी हम पुतू को ले जाई देखने। अभी देखते हैं लड्डू के बर्थडे पे कौन क्या क्या गिफ्ट लाता है। मैं चेक करूंगा सबके गिफ्ट। पिस्टल से महंगा तेरा लेगा रहूंगा। लड्डू लड्डू देख लड्डू जेल मकड़ी है। ये उधर जाने की कर रही है पर यहाँ बंद कर दिया इसको। तो सोनिया का मन खराब हो रहा है आज, वोमिटिंग का ये हो रहा है, जी घबरा रहा है सुबह सुबह क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी। शायद रात में लेट फोन चलाने का काम है इनको बहुत लेट तक। मार रहा हूँ तेरा बच्चा नहीं आओ बच्चा तू ही ते मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ मुकड़ो बचाऊ। गाइस मेरे को ये देख के ना बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन अब मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग जो आगे बढ़ना चाहते थे ना, मतलब इसके साथ एक और बट अवार्ड ऐड करना चाहते थे हम, गोल्ड बटन, वो मेरे को लगता है कि नहीं हो पाएगा। क्विट करना पड़ेगा हमें गेम, यही लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को। पहले जब हम लोग जयपुर गए थे तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे थे कि आप जयपुर गलत आ गए, आपको नहीं आना चाहिए था आपका यूट्यूब चैनल। अब हम लोग जयपुर से गांव आ गए फिर भी यही प्रॉब्लम है, तो अब हमें डेली ब्लॉगिंग बंद कर देनी चाहिए। महीने में एक दो बार ब्लॉग बना के डालेंगे, कभी कभी अब ना ब्लॉगिंग बंद करेंगे बहुत जल्द। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक और प्यारा सा नया ब्लॉग, और ब्लॉग की शुरुआत में ही आज बहुत स्पेशल वाला ब्लॉग है, क्योंकि जिस चीज का हमने काफी महीने से इंतजार किया है वो चीज आज फाइनली आने वाली है, और मैं देने वाला हूँ सोनिया को सरप्राइज गिफ्ट। तो बने रही है ब्लॉग के साथ, देखते हैं। और वो अभी आ चुका है तो मेरे को उसको बस लेके आना ही है घर पे, तो बने रहो ब्लॉग के साथ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली हमारा जो पार्सल था वो हमें रिसीव हो गया है। अब आप लोग जल्दी से गैस कीजिए कि इसके अंदर क्या है, क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हम कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक, जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना जल्दी मिल जाएगा, तो वो चीज़ है इसके अंदर। तो बने रहो ब्लॉग के साथ, अभी सोनिया से करवाते हैं अनबॉक्सिंग, नहीं सोनिया को दिखाते हैं सरप्राइज, क्योंकि वो थोड़ा शॉक्ड हो जाएगी इस चीज को देख के। तो बने रहो इसके अंदर है क्या जानने के लिए। तो गाइस हमारा पार्सल है, तो मैं उसको निकाल रहा हूँ अभी, मतलब बहुत ही बड़ी चीज है, इसमें बहुत ही शानदार तरीके से पैक करके भेजा है उन्होंने। बहुत बड़ी चीज है गाइस इसमें, और स्पेशली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे प्यारे जॉर्डन भैया, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है।
सेकंड बंद कर ले। तो हमने तो पता ही नहीं फोन कौन सा मंगवाया था, और ये डब्बा तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं क्या सीन है, क्या ऑर्डर हुआ है। कुछ और मंगवाया था और आ कुछ और गया है शायद। ये खोल के ही पता चलेगा गाइस। ओटीपी नहीं दिया कुछ भी। एक मिनट भाई, एक मिनट बंद कर दे। जाए इन्हें पकड़ के तुम दे। तो खोलो तो सही नहीं इसको। अरे आपकी कसम ये वाला है, मैंने अभी आपकी कसम नहीं आया कुछ भी, ये वाला है। मैं रुको मैं खोल रहा हूँ उसको। अरे भगवान की कसम नहीं है, लड्डू की कसम यही है। खोले तो सही नहीं उसको, देखे वीवो का फोन आ चुका है गाइस, ये देख सकते हो आप। तो गाइस हमारे साथ बहुत ही भयंकर वाली वो रही है। किसी और का पार्सल तो नहीं मिल गया गाइस, ये 27,000 का हमारे साथ अभी हम लोगों ने, मेरे को पता नहीं। हाँ ये फोन ही दूसरा है क्यों, मैं तो वहां बताया फोन जो देखो गाइस हमारे साथ बहुत ही बड़ा प्रैंक हो चुका है। तो गाइस हमारे साथ बहुत ही बड़ा वाला फ्रॉड हो गया, बहुत ही बड़ा वाला। और अभी मैंने डिलीवरी बॉय को वापस बुलाया है यहाँ सरोली मोड़ बुला के, अब उससे वापस मेरे को बात करनी है। और जो ये पार्सल था इसको वापस देंगे हम लोग, हैंड ओवर करेंगे उसको, क्योंकि हमें पता है स्कैम क्या किया इन लोगों ने, जो मैं अब ये नहीं बता सकता कि इन्होंने किया है किसी और ने किया है, क्योंकि यहाँ का तो नहीं है इसमें रोल। क्योंकि जहाँ से पार्सल के ऊपर की जो थैली थी ना, उस पे तो हमारे घर का एड्रेस, हमारे पार्सल का ट्रैकिंग नंबर सब लगा रखा था, और जो अंदर जो पार्सल था वो किसी और का था।
वो गुड़गांव में किसी और का पार्सल था, तो और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पार्सल हमें रिसीव डिलीवर्ड बता रहा है, तो ये बहुत भयंकर वाला स्कैम हो गया है हमारे साथ, और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम, दिखा रहे हैं खाना और लड्डू की टोपा लगाया था मैंने, लेकिन देख लो हटा दिया उसने। और आज बनाई है हमारे दाल। पर भाई दूध कौन सा आज खाट रूम में मिल जाए, जो मिल जाए वो थोड़ा थोड़ा पी के था, ये नमक पटक जाएगी। और रोटी और ये लड्डू आ गई से तो नहीं करना, खाओ ना लड्डू। हम्म, ना सही नमक।